ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 19 ਸਤੰਬਰ ਕੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 7 लुधियाना पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी। एक आदमी ने अपना बयान लिखवाया था कि उसकी सिस्टर की मौत लुधियाना में हो गई है और उसके जो जीजे के मुताबिक सिस्टर कुदरती तौर पर मर गई है, लेकिन उसके भाई ने लिखाया मरने वाली के कि उनको शक है कि ये जो मौत है ये नेचुरल नहीं हुई, इसमें शकी हालात में हुई है। तो इसकी जो बॉडी दफनाई गई है उसको निकलवा कर पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराए और उसकी डूंगाई से पड़ताल करे, जिस बेस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हाजिरी में उस बॉडी को निकलवाया गया और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के दौरान ये बात सामने आई कि जो मौत है वो नेचुरल तरीके से नहीं हुई, वो मौत चोटों के कारण हुई है। जो उसकी मरने वाली जो लेडी थी उसके बॉडी पर, चेहरे पर काफ़ी सारे चोटों के निशान थे। उस बेस पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान और जो मरने वाली है उसके भाई की, उसके जो है भाई के बयानों के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की और उसके हस्बैंड के खिलाफ मरने वाली के, और उसके बाद उस हस्बैंड को गिरफ्तार किया। सर, मारा क्यों था? ये जो मरने वाली है शाहजहाँ खातून, ये बेसिकली अपने इसकी शादी हुई थी 18-19 साल पहले सिराज अंसारी नाम के इस आदमी से, अपने हस्बैंड के साथ। और ये उस शादी के बाद अपने पिछले 8 साल से अलग अलग रह रहे थे और एक महीने पहले ही दोबारा साथ रहने लगे थे। तो इसके हस्बैंड को शक था कि इसकी वाइफ के जो संबंध हैं वो किसी और आदमी के साथ हैं, और ये शक के बेस पर इसको शक की नज़र से देखता था और उसी मनमुटाव में इसने इसका मर्डर किया।